पाटनीपुरा चौराहे के सब्जी मंडी व्यापारी विधायक रमेश मंदोला के साथ पहुंचे संभागायुक्त कार्यालय। पिछले दिनों निगम इंदौर में सड़क किनारे लगने वाली सब्जी मंडी हटाने की कार्रवाई की गई थी। सब्जी मंडी की जगह उपलब्ध कराने को लेकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर नगर निगम द्वारा पिछले दिनों पाटनीपुरा चौराहे पर सड़क किनारे लगने वाली सब्जी मंडी को हटाने की कार्रवाई की थी, जिसके बाद से ही यहां सब्जी मंडी लगाने वाले परिवार विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक रमेश मंदोला के साथ सब्जी मंडी के व्यापारी संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे। विधायक रमेश मंदोला ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन देकर सब्जी मंडी के व्यापारियों को उचित स्थान देने की मांग की है। विधायक ने संभाग आयुक्त को जगह को लेकर भी बताया कि मालवा मिल चौराहे के पास सब्जी मंडी को लेकर उचित जगह खाली पड़ी हुई है। यह आदर्श सब्जी मंडी बनाकर इन लोगों को दी जा सकती है, जिसमें न ट्रैफिक अवरोध होगा और सालों से सब्जी मंडी लगा रहे लोगों का रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। विधायक ने बताया कि संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द सब्जी मंडी को लेकर जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए, आज पाटनीपुरा और मालवा मिल जो सब्जी मंडी है वो परसों से मतलब वहाँ सब्जी मंडी लग रही है। वहाँ के लोग तीन तीन पीढ़ियाँ हो गई सब्जियाँ बेचते हुए, सब्जी का व्यवसाय करते हुए, तो सारे रोजगार का जो उनका पूरा परिवार उसी को चलता है। हजारों लोग हैं वहाँ इस व्यवसाय से जुड़े हुए, दो ही मालवा मिलो पाटनीपुरा की सब्जी मंडी मिला के, और ये सब्जी मंडी इतनी बड़ी हो गई पाटनीपुरा से लेकर लेकर भमोरी तक चली जाती है, और वो अपना शिवाजी नगर से लेके मालवा मिल तक गई थी। तो करीब 1000 परिवार इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट हो गया है। वो तीन पीढ़ी से वही काम करते आ रहे हैं और बिल्कुल अब बेरोजगारी की स्थिति हो गई। उनके पास अब रोजगार कुछ बचा नहीं। हम भी चाहते हैं कि यातायात सुगम हो वहाँ पर, यातायात उसके कारण मंडी के कारण प्रभावित होता है, तो वो यातायात भी प्रभावित ना हो और ऐसी कोई स्थायी जगह वहाँ दे दी जाए जिससे हमेशा स्थायी रूप से वहाँ एक सब्जी मंडी के रूप में वो विकसित हो। तो उसके रूप में हम सब लोगों ने आज कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि मालवा मिल जो नाले के पास की जमीन है वहाँ पर अगर छोटी छोटी होटले टाइप बना के उनको दे दिए जाएँ तो ये समस्या भी हल होगी, इनका व्यवसाय भी चलेगा और एक सब्जी मंडी भी वहाँ की आवश्यकता भी उस क्षेत्र में, सब्जी मंडी है नहीं कहीं आसपास।